सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। अभी आप देखो डेली न्यूज पे यार होती हैं, बट समथिंग जिसके बारे में आपको जानना और मुझे बात करना जरूरी है, असम में तकरीबन 55 लाख लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं, 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 60 घंटे से भी ज्यादा टाइम से बिजली नहीं है, खाना पानी सबकी कमी है, पानी का लेवल डेंजर लेवल से भी ऊपर जा चुका है, एंड मेकिंग सिचुएशन मोर वर्स्ट इज डिकॉइड्स। अब देखो यार ऐसे में हमें क्या करना है, प्रे करना है, और जो भी लेजिट डोनेशन स्ट्रीम कर रहे हैं उनको यार डोनेट करना है। याद रखना यार उन्हीं स्ट्रीमर्स को डोनेट करना है जिन पे आपको भरोसा है, क्योंकि कुछ स्ट्रीमर्स यार फेक डोनेशन भी करते हैं, तो उनसे अलर्ट रहना एंड दुआ करना असम के सभी लोगों के लिए। एंड यार मैं दिल से प्रे करता हूँ कि जो भी सिनारियो चल रहा है इसमें यार बस भगवान मदद करे आप सबकी। तो यार अब न्यूज वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं, और वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले रॉक्स और गुरु के बारे में। सो रिसेंटली हुए रॉक्स और गुरु के मैटर में रॉक्स के रिप्लाई के बाद जो आपको कल रात की वीडियो में मैंने बता दिया था, गेमिंग गुरु ड्यूरिंग दिस लाइव ये बताते हैं कि उनको रॉक्स का कॉल आया था एंड ऑल्सो वो ईस्पोर्ट्स इनवाइट को लेकर के भी ट्रॉल करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दी स्टफ साथ ही साथ वो स्ट्रीम पर रॉक्स के ओल्ड मैटर यानी पुरानी कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। लेकिन लेटली गुरु इस मैटर को फाइनल तरह से एंड करते हैं कि उन्होंने वो कंट्रोवर्शियल स्ट्रीम को डिलीट कर दी एंड इस कंट्रोवर्सी को एंड करना चाहते हैं, वो इस लैन इवेंट को एंजॉय करना चाहते हैं और ज्यादा नेगेटिविटी नहीं चाहते। सो फाइनली वी सॉ एंडिंग ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। सो ड्यूरिंग हिज लाइफ मॉर्टल ने यार सोल के जीतने के चांसेस के बारे में बात करी एंड साथ ही साथ उनके लैन इवेंट में जाने के चांसेस पर भी। क्या लगता है भाई सोल जीतेगी लैन? देखो भाई ये टीम का माइंडसेट और ये टीम का काम सिर्फ जीतना है, बाकी ड्राई रन में क्या हुआ ब्रो, ड्राई रन एकदम मस्ती में, आई डोंट नो क्या हुआ, बस अमित भाई ने बोला ड्राई रन है आज, और कुछ इन्फॉर्मेशन इतना कुछ दिया नहीं, बस इतना बोला ड्राई रन है, बाकी तो जो होगा सब कल से होगा। बट आर यू गाइस एक्साइटेड लैन? ओ हो, वो भी टीवी पर, क्या बात है, मजा आएगा। चलो मैं पता नहीं जाऊंगा कि नहीं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेट्स सी। मैंने तक से आज बात की कि क्या मैं उस जगह पे जाऊंगा एटलीस्ट, तो ही सेड ही विल लेट मी नो, कि वो बात करके बताएगा कि क्या व्हाट कुड बी द रीजंस आई कैन बी देयर, ऐसे टाइप का मे बी, लेट्स सी। अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है मैं कब जाऊंगा, देखते हैं लैन इवेंट में। एंड साथ ही साथ उन्होंने YouTube इंडिया के ट्वीट पर भी बात करी, जिसका पूरा मैटर मैंने आपको कल शाम को इलैबोरेट कर दिया था। Have you read YT India tweet? Yes, I did read, and that was a reference to something else, जो आप लोगों को लग रहा है उसका रेफरेंस नहीं था वो, it was a reference to a tweet by Harsh Goenka, and उस चीज के रेफरेंस में लिखा था, एंड वो गेमिंग के रेफरेंस में नहीं था, बट ठीक है आप लोग ने उस चीज को वैसे ले लिया, एंड वो सबके लाइफ में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे लेते हैं वो लोग। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बीजमा के नॉर्डविल लैंड इवेंट के बारे में। सो नॉर्डविल लैंड इवेंट जिसका बहुत इंतजार है, उसमें सबसे ज्यादा वेट जिस चीज का है वो है लैंड एंट्री का, एंड एक झलक आप देख सकते हो ड्राई डे की। ऑल्सो इसी लैंड इवेंट में काफी लोग पूछ रहे थे कि सांगवान कौन सी टीम से खेल रहे हैं, वेल वो राइवलरी ईस्पोर्ट्स से खेल रहे हैं, एंड ऑल्सो राइवलरी ईस्पोर्ट्स की बात करें तो मेजी ने राइवलरी ईस्पोर्ट्स के रोस्टर के बारे में बात करी। टीम में आईजीएल बहुत ज्यादा है, ठीक है, सांगवान आईजीएल, स्मोकी आईजीएल, स्लेयर आईजीएल, ठीक है, तो आईजीएल की भरमार है। शराबी गेमर, थैंक यू सो मच फॉर दैट 20 ब्रो। तो ये चीज तो है कि उनके अंदर आईजीएल्स बहुत ज्यादा हैं, बट दिक्कत इस बात की है कि प्लेयर कम है। ऑल्सो मेजी स्नैपड्रैगन ओपन फॉर ऑल इवेंट पर भी ये लीक देते हैं कि इस इवेंट का जो विनर होगा उसको एक बहुत बड़े स्टेज पर इनवाइट मिलेगा। वेल अब नो आइडिया वो कौन से स्टेज की बात करें, बट ओवरऑल इट्स गोना बी एक्साइटिंग। ये स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट का मोबाइल ओपन, अरे एक और चीज तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत बहुत अंदर की बात है। तो यहाँ पे जो टीम जीतेगा ना, यहाँ पे जो भी टीम जीतेगा ना वो एक बहुत बड़े जगह जा रहा है खेलने के लिए, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो टीम जीत रहा है वो बहुत बड़े जगह पे खेलने के लिए जा रहा है। ऑल्सो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं 1xBet के बारे में, एक ऐसा एप्लीकेशन जहां से यार आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो। आप बीजमाए, वैलोरेंट, एपेक्स लेजेंड जैसे गेम्स में प्रिडिक्ट करके आप काफी सारा अमाउंट जीत सकते हो, एंड 1xBet यार काफी ज्यादा भरोसेमंद ऐप है, एंड यार 1xBet के काफी सारे पार्टनर्स भी हैं जैसे यार ESL, Vplay Esports एंड IPL के टॉप महारथी भी जैसे ड्वेन ब्रावो, फेमस क्रिकेटर्स लाइक युवराज सिंह, FC गोवा, बेंगलुरु बुल्स एंड और भी यार काफी सारे।
एंड आप यहाँ पर इजिली रजिस्टर कर सकते हो मेरे दिए हुए लिंक से। एंड मेरे प्रोमो कोड यूज करने पर यार आपको 26,000 का वेलकम बोनस भी मिलेगा। और सर अभी चल रहे बीच में मास्टर टूर्नामेंट जो स्काई स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा, उस पर भी आप प्रिडिक्शन करके काफी सारे रुपए जीत सकते हो। तो यार देर किस बात की, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड यार आप मेरा प्रोमो कोड 1xGaming यूज करो तो यार आपको 26,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। तो यार कमेंट सेक्शन में लिंक है, फटाफट क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। और सो हाल ही में अमित भाई की लाइव में यार ओमेगा रिप्लाई करते हैं कुछ सुपर चैट्स को एक 18 प्लस वे में, एंड उसी पर मेजी लाइव रिएक्ट करते हैं, पर्सनल ओपिनियन देते हैं कि ये गलत तरीका रिप्लाई देने का। एंड आपको यार इसके बारे में क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। भाई बोल रहे कितनी बार मुंह में लिया भाई, जितनी बार तेरे मम्मी ने दिए। मत करो यार, मत दिखाओ ये सब, प्लीज प्लीज ये सब मत करो, ये सब थोड़ा आउट ऑफ रीच चला जाता है। देखो मैं सिंपल सी कहूंगा, ऐसे रिप्लाईज देने की कोई जरूरत नहीं होती, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रिप्लाईज देने की कोई जरूरत नहीं होती। इन सारे रिप्लाईज से जस्ट नेगेटिव चीजें ही जाती हैं ऑडियंस में, दैट्स ऑल। आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, आप उस चैट को हटा सकते हो। मैं किसी भी चैट को जो हेट वाला होता है या चीजें होती है उसमें मैं कभी भी फैमिली को लेके नहीं आता, कभी भी मैं फैमिली को लेके नहीं आता। भाई हम फैमिली पे क्यों ही जा रहे हैं? आप अगर उनको बोल रहे हो तो उनको बोलो सीधा सीधा, जिसने लिखा है उसको बोलो, उसमें फैमिली को इंक्लूड करने की आई डोंट थिंक की जरूरत होनी चाहिए। बट ठीक है, जैसा जिसकी इच्छाएं, जैसी जिसकी मर्जी, बट आई डोंट थिंक कि वो सारी चीजें करना सही है। ऐसे रिएक्शन और इग्नोर ही कर दो ना, क्या दिक्कत है। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं स्नैक्स के बारे में। तो स्नैक्स के रिगार्डिंग कल मैंने आपको बताया था कि वो चैनल्स जिन्होंने वो क्लिप अपलोड करी है वो क्यों अच्छी बात नहीं है। एंड उसी पर स्नैक्स ये बताते कि अब कोई भी और अपलोड ना करें, जिन्होंने अपलोड करी वो प्राइवेट कर दें, वरना यार उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी हो वो सब एक फन वे में था जो अनएक्सपेक्टेड था। एंड उनकी सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं बात कर लेते हैं TSM गॉडलाइक के बारे में। सो रिसेंटली TSM एडमिन ने एक स्टोरी पोस्ट करी जिसमें वो गॉडलाइक को ट्रॉल करते हुए नजर आए, जिसमें एक बंदा उनको ये कहता है कि हे एडमिन, हियर इज माय जॉइनिंग लेटर, आई एम जॉइनिंग TSM एज अ CC, थैंक यू। और सो बर्नॉल भी ये कहते हैं कि इफ यू नो यू नो। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं बात कर लेते हैं सोल के बारे में। सो रिसेंटली सिड ने कुछ सवालों का जवाब दिया ड्यूरिंग Q&A, जहां पर वो ये बताते कि उनकी टीम सिर्फ गेम से जवाब देगी विद परफॉर्मेंस, क्योंकि यही स्पोर्ट्स एथलीट को करना चाहिए। एंड जो गेम में परफॉर्म नहीं कर पाते वो गेम के बाहर ये सब करते हैं। सिर्फ बायो में एथलीट डालने से सब एथलीट नहीं होते। एंड वो क्यों कभी सोल लीव नहीं करने वाले, उसका भी मेजर रीजन उन्होंने बताया कि सोल पैसा देती नहीं है बल्कि ये सिखाती है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। तो यार वो क्यों ही लीव करेंगे? और सो इसलिए ट्रैश टॉक नहीं कर रहे क्योंकि वो एक ही जगह पर अटके हुए नहीं रहना चाहते। एंड पास्ट अचीवमेंट पर ही अटके रहेंगे तो यार आगे फोकस नहीं कर पाएंगे। और सो नॉर्डवेन लैंड इवेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें यार क्रैट की वापसी देखने को मिली है कास्टर्स के डेक्स पर। और सो जहां तक मालूम पड़ा ये इवेंट हॉटस्टार पर नहीं आएगा सैडली। एंड नॉर्डवेन की शायद इस लैंड इवेंट के लिए पार्टनरशिप हो सकती है ह्यूंडई के साथ। एंड इवेंट के दौरान हमें शायद ह्यूंडई वेन्यू कार भी देखने को मिले, बट ऑल्सो समथिंग नॉस्टैल्जिक। इस पिक को देखने के बाद यार आपको क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं बात कर लेते हैं मेजी के बारे में। सो मेजी साथ ही ड्यूरिंग इस लाइव क्रॉन्टन के बारे में भी बात किए एंड उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में वो कुछ ये कहते हैं। भाई जॉनाथन इतना बंदा अच्छा है, ठीक है, क्रॉन्टन इतना अच्छा बंदा है। क्रॉन्टन को मैं 2015 से जानता हूँ भाई, मेरे को पता है कि वो बंदा कहाँ से आया, वो बंदा कहाँ तक जा रहा है, मुझे पता है, मैंने उसके अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। वो जब से, जब उसको कोई नहीं जानता था तब हम लोग साथ में थे, 2015-16 में जब भी हमने COCN चीज़ें करी तब से मैं उसको जानता हूँ, कैसा वो बंदा है, क्या करता है, कैसे वो सोचता है, पता है मुझे। तो क्रॉन्टन का तो मैं मान रहा हूँ कि वो बहुत बहुत ही सेक्सी बंदा है वो, तो कभी तुम लोग उससे बात करके भी देखोगे अच्छा लगेगा तुमको। साथ ही जब उनको जॉनाथन की नई वीडियो पर रिएक्ट करने को कहा जाता है तो वो क्यों डिनाई एंड इग्नोर करते हैं उसका वो एग्जैक्ट रीजन बताते हैं। एंड रीजन ये है कि घातक भाई ने उनको मना कर रखा है। एंड वो आगे ये बताते कि वो SATL की सभी वीडियोस पर रिएक्ट क्यों करते हैं। तो आप देख सकते हो उन्होंने क्या कुछ कहा। जॉनी ब्लॉग स्पैम हो रहा है, बायस्ड, देखा करण भाई की जली, करण भाई की फिर जली। करण भाई अगर एक किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वो सही है। और जॉनी का ब्लॉग मैं बस इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे परमिशन है या फिर नहीं है। सोल वालों के लिए मैं खुद से उनकी परमिशन लेके रखता हूँ कि इनकेस अगर सोल के किसी भी प्लेयर पे मैं रिएक्ट करता हूँ तो उनकी तरफ से अश्योरेंस रहता है कि भैया मेरे पे कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पे घातक भाई जब मेरे को खुले बोल चुके हैं कि आप हमारी टीम के बारे में बात कभी नहीं करोगे, अभी मैं ब्लॉग देखूँ और मेरे ऊपर स्ट्राइक आई और मेरा चैनल उड़ गया, फिर
तो पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम अगर आपके चैनल पे या फिर जो भी आप डालते हो कंटेंट्स उस पर अगर मैं रिएक्ट करूं या फिर मैं अपनी स्ट्रीम पे प्ले करूं, तो आपकी तरफ से अश्योरेंस हो कि हमें कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि सोल और बाकी सारू जगह से मैंने अश्योरेंस ले रखा है, मैंने गोल्डी भाई से पूछ रखा है, गोल्डी भाई ने बोला तू जो वीडियो रिएक्ट करना है तू रिएक्ट कर, जो देखना है तू देख, कोई भी ऐसे ट्यूल का मेंबर है हर किसी का वीडियो देख, हमारी तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं जा रही। भाई क्या पता उनकी तरफ से ऑटो कॉपीराइट स्ट्राइक वाला सीन हो, आई डोंट थिंक कि जैसे वो होता नहीं ऑटो सब पे कॉपीराइट पड़ता रहता है अगर उनके कंटेंट डालो या सब कुछ, तो पहले मेरे को एक बार पूछ लेने दो, घातक भाई से मैं पूछ लेता हूँ कि भाई आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो हैं, अगर ऑडियंस का डिमांड आता है कि भैया उनके ब्लॉग्स या चीज़ों पर रिएक्ट करो, तो क्या मैं कर सकता हूँ? आई एम अलाउड टू रिएक्ट रिएक्ट तो बस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी रहे मैं भी शत और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।